महावन थाना क्षेत्र के गांव नगला देवकरण में आए युवक को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया। रविवार को राधाष्टमी के दिन थाना बलदेव के गांव से सेलखेड़ा निवासी रोहन उर्फ भोला 20 वर्ष पुत्र सरवन अपने माता पिता के साथ बहन की ससुराल महावन थाने के गांव नगला देवकरण आया हुआ था। युवक राधा रानी मंदिर रावल में दर्शन करने गया था। वहां से दोपहर बाद लौट कर महावन की पैंट करने मोटरसाइकिल से गया था। देर रात तक युवक घर वापस नहीं आने पर युवक के जीजा जीतू एवं युवक के पिता सरवन ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार को जीतू अपने ससुर सरवन के साथ महावन थाने पहुंचे। उन्होंने रोहन के गायब होने की जानकारी दी। सरवन का कहना है कि महावन पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। कहा कि बलदेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ। सरवन का कहना था कि गायब महावन से हुआ है, महावन की पैंट करने आया हुआ था, लेकिन पुलिस ने बलदेव थाने के लिए भेज दिया। बलदेव थाने की पुलिस ने फिर महावन के लिए भेज दिया। कहा कि घटना महावन थाने की है, वहीं रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। चार दिन युवक के स्वजन थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। बुधवार को दोपहर बाद ग्राहकों ने नगला देवकरण में सूचना दी कि एक युवक का खेत शव में पड़ा हुआ मिला है। शव की जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे, जिसकी शिनाख्त रोहन उर्फ भोला की हुई। पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची, शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के चाचा भूरी सिंह ने कहा कि पड़ोसी बच्चू सिंह के बेटे बबलू छोटू नीतू ने ही घटना को अंजाम दिया है। उनका कहना था कि प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा है। कौन से गांव के? थाना बलदेव। अच्छा, क्या घटना हुई? जो लड़का मरा है वो कौन था आपका? वो मेरा भतीजा था। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई? क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी देवकी नगरी आया था, देवकरण नगरा। हाँ जी, माता पिता को लेकर के। हाँ, उनको गांव से बाहर छोड़ गया। कब आया था ये? इतवार को शाम को। अच्छा, दो ढाई बजे के बीच में। ठीक है ना, जो मेला था राधा रानी का रावल में। ठीक है, मान गया कि ना गया हमें नहीं पता। ठीक है जी, लौट के दो लोगों को लेके आया है देवकी नगरिया छोड़ने के लिए। उनको छोड़ करके वापसी गया, रास्ते में गड़प कर लिया है। हाँ जी, रास्ते में गड़प कर लिया है। फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज खत्म कर दिया था, डेड बॉडी मिली उसको। अच्छा, चेहरा उसका खराब बता रहे हैं, तीजा पचास डाल के वो खत्म कर दिया था। उसकी बाइक है, फोन भी है, 5:30 उसकी जेब में है। अच्छा, हाँ जी, क्या मानते हैं, क्या लग रहा है? जी, क्या लग रहा है, क्या मानते हैं? मानते हम जाइए कि उन्होंने जो उसके दुश्मन थे उन्होंने मारा। कौन लोग थे, क्या नाम था? उनके देवी नगर आते हैं। कौन लोग, क्या नाम था? एक का नाम था बबलू है, एक का नाम छोटू है, एक का नाम नीतू है। अच्छा, उनकी क्यों दुश्मनी उनसे? उनकी जो भांजी थी, उनकी भांजी थी, ठीक है ना, जो लड़का था उसकी जो बहन थी, वहाँ पर बहन के पास आ जाता रहता। तुम जान जो लड़का सुंदर था, कोई कॉन्टैक्ट हो गया, इनको पता पड़ गया, इन्होंने जो कोई कंट्रोल नहीं की, मतलब प्रेम प्रसंग का मामला। प्रेम प्रसंग का तो इस लड़के की वहाँ प्रेम प्रसंग था लड़की से? जी सर, देवकरण नगला में। हाँ जी। अच्छा, फिर से जो लड़की ये करके वो आगरा चला गया, आगरा आगरा जो है लड़के का फोन आया, यहाँ से फोन गया, यहाँ दो आदमी गए, ठीक है जी, तो हमने लड़की को वहाँ से पकड़वा के उनके हवाले कर दिया। ठीक है, नहीं बोले आपको ऐसी गलती नहीं करेगा ये। ठीक है जी, वो बोलेगा ठीक है, अब अगर ये हमारे गाँव में आया या दाऊजी में आया तो उसको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जो बात है कह के आया चैलेंज देकर के। तो जब लड़का गायब हुआ था तो आपने यहाँ थाने में कहीं सूचना दी थी? हाँ जी, सूचना दी, जहाँ भी आए। किस थाने, किन कौन कौन से थाने में दी? ये अपने धमनापाल में सबसे पहले दी, उसके बाद थाने में दी। कौन से में? ये भावनावाड़ी थाने में। क्या कहा यहाँ? यहाँ बोला साहब ऐसी बात है, हमारी लड़की पकड़ कर ली है। ठीक है, नहीं और इतने टाइम से 6 बजे से उसका फोन नहीं मिल रहा है, आप जो रिपोर्ट लिख लो। ठीक है, नहीं जिन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी साहब हमारी। ठीक है जी, खूब हाथ जोड़े पैर भी छिए, प्रधान भी लेके आए गाँव का, कोई सुनवाई नहीं करी जिन्होंने। ठीक है, नहीं बोले ऐसा है कल आना। ठीक है, कल ले आए भी कुछ नहीं, सीधे हम जो कप्तान साहब के पास पहुँचे, कप्तान साहब ने रिपोर्ट लिखी, पर कप्तान साहब नहीं मिले, जो दरवाजे अच्छे मिले, मैडम मिली लड़की जो, ठीक है ना, उन्होंने रिपोर्ट लिख लिखे हमने कर दिया, पर्ची बना के दी हमको, जो वह टॉप अप करा के हमने बलदेव थाने में दी। अच्छा, बलदेव थाने देने के बाद में तो अभी यहाँ थाने में है, अब तहरीर दे दी आपने? कोई तहरीर नहीं ली इन्होंने। अच्छा, कोई लिया ही नहीं? अभी भी नहीं ली? नहीं, कोई नहीं। अब जो लिख रहे हैं ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे। पैसा मांग दे, पैसा कहाँ से दें? बताओ, पैसा मांग रहे हैं उन्होंने? कौन पैसा मांग रहा है? भाई यही मांगते हैं, कौन मांगते हैं? पैसे देते तो सब काम करते थे। कौन भाई ये दरवाजे से पैसे देते हम लोग तो पहले सब काम करते थे, हमें पैसा नहीं था जिससे मावन था नहीं तो पैसे अकेला है कहीं चले, पैसा मांगते हैं? बताओ, गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाए हम लोग? नोरे करे पाते कोई समझ नहीं करी।